तीन गुना ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ। yes, कहता बात अगली सुनने वाली है, कहता बात यह है कि मेहनत तुम भी कर रहे हो, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आपकी और मेरी मेहनत में फर्क है। yes, आप मेहनत कर रहे हो अपने बॉस के बच्चों के लिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। yes, अगर तू दुनिया से जाएगा तेरे बच्चे जीरो पे खड़े होंगे। yes, और जब मैं दुनिया से जाऊंगा मेरे बच्चे 2 लाख से आगे स्टार्ट करेंगे और तरक्की तक जाएंगे। लेकिन पता क्या होता है बिजनेस में, आप यहाँ से शुरू करते हैं ना, आप यहाँ तक पहुँचते हैं। yes, आपके बच्चे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। yes, उनके बच्चे यहाँ से भी ऊपर जाएंगे। yes, जॉब में आप यहाँ से यहाँ आएंगे। yes, आप खत्म, बच्चे फिर यहीं खड़े होंगे। समझ आ गई? एक तो है किसी की गुलामी। yes, दूसरा है किसी के लिए हम खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। yes, उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहे। फ्यूचर सिक्योर करना है तो क्या करना होगा? बिजनेस। yes, कारोबार करना होगा। yes, okay? yes, खैर वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। बेटा पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा। yes, वहां से हमें सोच देगी, स्कूल में यही सोच देगी, बेटा पढ़ता 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 25 साल उम्र होगी सीढ़ियां बांटनी शुरू कर दी। yes, इधर सीढ़ी दे रहे हैं, उधर सीढ़ी दे रहे हैं, जलील हो रहे हैं, पाकिस्तान मुल्क भी ठीक नहीं है, यहाँ पे जॉब भी कोई नहीं है, यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, जब जॉब नहीं है तो अपने आप को ठीक कर रहे। yes, अब बच्चे जो होते हैं ना बचपन में, अल्लाह पाक ने उनको विजन बड़ा दिया होता है। आपने चेक किया होगा आपके घरों में बच्चे होंगे। yes, आपके घरों में बच्चे हैं तो आपने चेक किया होगा, छोटा बच्चा आपने ये आदत जरूर देखी होगी, ये हर बच्चा करता है। yes, sir. अपना जूता कम पहनते हैं, बड़ों का जूता ज्यादा पहनते हैं। yes, sir. देखा कभी? yes, sir. अपना जूता उतार देगा। yes, sir. बड़ों का जूता पहन के ना बड़ा खुश होगी चलता। yes, sir. को भी देख रहा होता। yes, sir. उससे पूछा जाए ऐसा क्यों कर रहे, तो जवाब पता क्या आएगा? मैं भी बड़ा बनना चाहता हूँ। yes, वो बड़ा बनना चाह रहे। yes, या आपके यू होगा कि आपके घर में अगर गाड़ी है, अगर नहीं है तो रिश्तेदार जब गाड़ी पे आता होगा तो आपके बच्चे जब तक गाड़ी रहती होगी उसके इर्द गिर्द घूमते रहते। yes, yes, sir. Sir. उसको टच कर दी। yes, ऐसा है। yes, sir. अब बच्चे जो छोटे होते हैं ना ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको छेड़िएगा। yes, कहते हैं मैं बड़ा हो गया। संदीप का नाम सुना होगा। जी जी। संदीप कहता है कि मैंने ना, मैं और मेरे दोस्त पढ़ने जाते थे पैदल दोनों, उसके वालिद ने ना उसको साइकिल लेके दी। yes, yes. अब मैं पैदल अभी भी जाता था, वो साइकिल पे आता, मुझे बड़ी टेंशन, मैंने घर आके शोर मचा दिया। yes, yes. तो मुझे ना साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। yes, तो मामा ने कहा हम नहीं लेके दे सकते, नहीं लेके दे सकते। गुस्से से उन्होंने कहा मैं, हमको टाटा बिरला थोड़ी, टाटा बिरला इंडिया का बहुत अमीर आदमी, अमीर आदमी को टाटा बिरला कहते हैं। उन्होंने कहा हमको टाटा बिरला नहीं है। तो मैंने पूछा मामा टाटा बिरला क्या होता है? उन्होंने कहा टाटा बिरला वो होता है जो बहुत अमीर होता है। कहता मैंने कहा मामा मैं भी बड़ा होकर टाटा बिरला बनूंगा। कहता मामा ने तो पहले मेरी तरफ देखा, आप बच्चे नहीं है ना, अभी आप जवान हो चुके। Yes. वो तो संदीप बचपन में था ना। yes, आज आप घर जाके कह रहे मैं लाखों रुपया कमाऊंगा, आपको सारे घर में यूं ना देखें। yes, मेरा नाम बदल देना। yes, yes, आपको छेड़ेंगे तो ठीक तो है। yes, जाके कहते मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ जहां से मुझे गाड़ी मिलेगी, सारे परेशान हो जाएंगे, लगता है पागल हो। बड़ी बात समझ नहीं आती। yes, क्योंकि बचपन से सुना है 20,000 है। yes, ऐसा ही है। yes, मैंने अहमदाबाद में ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मैंने ये बात की दिमाग बना करोगे, कहता सर हम 20,000 कमा सकते हैं, 2 लाख नहीं कमा सकते। yes, तो मैं आपको वो बात समझाता चलूँ, आपका ईमान ताजा करवा दूँ। आप मुझे बताएं 20,000 कौन देते हैं? अल्लाह। मोटरसाइकिल है आपके पास? yes, किसने दी? अल्लाह। 2 लाख किसने देने? अल्लाह। गाड़ी किसने देनी? अल्लाह। दे सकते हैं? यस सर। प्रॉब्लम के? यस सर। मैंने कहा अल्लाह के बंदे 20,000 तुझे किसने दिया? कहता अल्लाह ने। मैंने कहा 2 लाख किसने दे रहे हैं? कहता अल्लाह ने। तो मैंने कहा अपना ईमान ताजा कर, अपने ईमान को ठीक कर। yes, जो रब 20,000 दे सकता है वो 20 लाख भी दे सकता है, वो 20 करोड़ भी दे सकता है। yes,
पूर्ति करनी होती है लेने वाली, सोच बनानी होती है लेने वाली, अपने आप को ठीक करना होता है उस लेवल का। अल्लाह पाक का काम देना बदले देते हैं। खड़े हो जाए, रोड पे खड़े हो जाए, गाड़ियां गुजरेंगी, चेक करना, किसी के सींग नहीं होंगे, किसी के छह बाजू नहीं होंगे, किसी की दुम शुम नहीं लगी होगी, सारे आप जैसे और मेरे जैसे हैं। यस सर। उसको अल्लाह पाक दे सकते तो हमें क्यों दे सकते। यस सर। सोच को बड़ा करने की जरूरत है। अब बच्चा बाजार जाता है, ये भी आपने चेक किया होगा, कभी किसी बच्चे को बाजार ले जाना, बाजार ले जाकर खड़ा कर देना गाड़ी से थोड़ा दूर, उसकी उंगली पकड़ के खड़े हो जाना, उंगली पकड़ के खड़े हो जाना, वो बच्चा क्या करेगा, उंगली छुड़वाएगा और जाके गाड़ी को टच करेगा। करता है। उस बच्चे से पूछना गाड़ी को क्यों टच कर रहे हो। अब बच्चा जाता बाजार, बाजार जाके ना गाड़ी को टच करता है और कहता है मामा बाबा मैं भी बड़ा हो गया ऐसी गाड़ी लूंगा। आगे से मामा पापा क्या कहते हैं, ना ना बेटा ये हमारे बस की बात नहीं है। बहुत खतरनाक जुमला है। बचपन में बच्चों को जहन में डाल दिया जाता है कि बड़ी कामयाबी लेना हमारे बस की बात नहीं है। वो ये सोचना शुरू कर देता है कि बड़ी कामयाबी मैं ले ही नहीं सकता। अब बच्चा जैसे गाड़ी टच करे आपने पता क्या करना है, उससे सवाल करना है, बेटा ये क्या कर रहे हो। वो कहेगा बाबा चाचू मामू मैं भी बड़ा हूँ कैसी गाड़ी लूंगा, तो आपका काम पता क्या है, घुटनों को नीचे लगाना, उसको पकड़ना और सीने से लगा के थपकी देना और कहना बेटा जिस दिन तू 25 साल का होगा तू गाड़ी का मालिक होगा, लिख ले सोच देना तेरा काम है 25 साल का होगा गाड़ी का मालिक जरूर। कोई मुश्किल नहीं है, सोच तो बनाओ। फॉलो कर गए। अब प्रॉब्लम यहाँ आई, हमें जो चॉइस दी गई वो गलत दी गई, हमें डायरेक्शन जो दी गई वो गलत दी गई, जिस वजह से हम क्या हो गए, नाकाम हो गए। अब यह एक और बात समझाता चलूं आपको, इलामत वाले लोगों को क्या कहा, शहीन। शहीन कहा ना, क्या कहा, आज मैं आपको बताता हूँ इलामत वाले लोगों को शहीन ही क्यों कहा। फॉलो कर गए। दूसरी बात ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम शहीन बने क्यों हैं। और तीसरी बात इसमें ये समझ आएगी कि बचपन में हमारे साथ हुआ असल में क्या। एक बंदा गाड़ी में सफर कर रहा है, कहते हुए गाड़ी में सफर कर रहे पहाड़ी रस्तों से गुजर रहा है, घर के पास से गुजर रहे, उसने चंद मुर्गियां देखी, चंद मुर्गियों के साथ उसने एक शहीन का बच्चा देखा, गाड़ी को रोका और घर के मालिक के पास गया। बड़ा हैरान होकर उससे सवाल करता है, बात समझ नहीं आई, बात हजम नहीं हो रही है, ये शहीन मुर्गियों के साथ घूम रहा है ये कैसे हो गया। उसने कहा हैरानगी वाली कोई बात नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं, मैं एक दिन पहाड़ों से गुजर रहा था, शहीन का बच्चा छोटा सा था, पहले दिन का था, उम्र से कहीं गिरा, मुझे मिला, मैंने उसको उठाया, ला के मुर्गी बच्चों के साथ छोड़ दी। इसने जब आंखें खोली तो इसने शहीन को नहीं देखा, इसने मुर्गी को देखा। ये जब बड़ा हो रहा था मुर्गियों की महफल में था, ये शहीन की महफल में नहीं था, इसकी जो परवरिश की है वो मुर्गी ने की है, शहीन ने नहीं की है। इसलिए ये तस्लीम कर चुका है, ये मान चुका है, ये एग्री कर चुका है कि मैं भी एक मुर्गी हूँ। उसने कहा ये शहीन ये मुर्गी मुझे चाहिए, मैं इस पर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। उस बंदे ने पैसों की डिमांड की, गाड़ी वाले बंदे ने पैसे पे किए और शहीन को ले लिया। उसको लेके ना खुली फजा एक ओपन एरिया ग्राउंड में लेके चला गया। ग्राउंड में ले जाके ना हाथ पे रखा, हाथ पे रखे उसे बड़े प्यार से कहते हैं शहीन तू मुर्गी का बच्चा नहीं है, तू शहीन का बच्चा है। और शहीन के बच्चे का काम जमीन पे रहना नहीं होता, शहीन के बच्चे का काम हलदियों पे उड़ना होता है। तेरा काम जमीन पे मुर्गियों की तरह घूमना नहीं है, तेरा काम शहीन की तरह ऊपर वाली फजाओं में उड़ना है। लिहाजा मैं तुझे छोड़ने जा रहा हूँ, अपने आप को जान जा, पहचान जा, अपने उस लेवल, अपने उस मंजिल पे पहुंच जा जो तेरी मंजिल है। जैसे ये क्या कि ऊपर उछाला, जैसे ऊपर उछाला वो परपर करता नीचे जमीन पे आ गया, क्योंकि वो अपने आप को क्या मान चुका था, उन्होंने फिर पकड़ा, फिर उछाला, वो फिर नीचे आया, वो फिर पकड़ता, फिर उछालता, फिर वो बार बार ऊपर उछालता है, वो हर बार नीचे आता है। बंदे को बड़ा गुस्सा आया, उसने पकड़ा, बहुत ऊंचे पहाड़ की ऊंची चोटी पे लेके चला गया। पहाड़ की ऊंचाइयों पे ले जाके ना उसने फिर यही बात की, शहीन तो मुर्गी का बच्चा नहीं है, तू शहीन का बच्चा है। और शहीन के बच्चे का काम जमीन पे रहना नहीं होता, शहीन के बच्चे का काम बुलंदियों पे उड़ना होता है। शहीन के बच्चे का काम बारिश में भीगना नहीं होता, शहीन के बच्चे का काम बादलों से ऊपर चले जाना होता है।
मैं तुझे छोड़ने जा रहा हूँ, अपने आप को जान जा, पहचान जा और अपने उस लेवल, अपने उस मंजिल पे पहुंच जा जो तेरी मंजिल है। और याद रख, आज अगर तूने अपने आप को जान लिया, पहचान लिया तो तू बच जाएगा। अगर आज मुर्गी समझ के नीचे जाने की गलती की तो नीचे जमीन नहीं आएगी, बहुत गहरी खाई है, गिरेगा और मर जाएगा।